हे गाइस, वेलकम बैक टू अमित अनबॉक्सिंग एंड यू। तो दोस्तों, ये जो गेम प्ले आपको दिख रहा है ये है कोटूडियो लैपटॉप पे। जो लैपटॉप मैंने पिछले वीडियो में जो है रिव्यू किया था, वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डिसेंट जो है इस पे FPS जो है मिल जाता है 60। मैंने पहले ही बताया था कि 30 to 60 FPS जो है गेमिंग में मिल जाता है। चाहे इस पे आप हार्ड डिस्क इस्तेमाल कीजिए या फिर SSD, दोनों में ही जो है आपको यही परफॉर्मेंस जो है लगभग आपको मिल जाएगा। ज़्यादा परफॉर्मेंस बम्प्स जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी ज़्यादा इफेक्ट जो है नहीं रहेगा, चाहे SSD रहे चाहे HDD। और इसका रीज़न भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो जानना है तो पिछले वीडियो जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो डिसेंट गेमिंग हो रहा है। ये जो गेमिंग है ये गेमिंग है टोटल ओवरडोज। इस पे दो तीन गेम जो है मैंने इस वीडियो में दिखाए हुए हैं। इसके अलावा भी मैंने कुछ और गेम्स खेले हैं, वो ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं आया, हालांकि मैं खेल चुका हूँ। तो यहाँ पे डिसेंट गेमिंग जो है आप कर सकते हैं, आपके पास कोटूडियो प्रोसेसर के हो साथ तो भी, अगर उसमें डिसेंट पावर हो तो। मैं बता दूँ, इस गेम को खेलने के लिए मैंने जो है इस पे PC की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ है Windows 10 Pro। अब मैं बता दूं कि Windows 10 के साथ ये जो लैपटॉप है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर जाता है। इसका जो सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेशन है वो बेटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि Windows 10 में जो है जो फंक्शनलिटीज़ जो प्रोवाइड की गई है काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी अच्छे से वर्क करती है इस सिस्टम के साथ। हालांकि ये लैपटॉप ओल्ड हो चुका है, लेकिन सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला है। इसी की वजह से यूटिलाइजेशन, सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। और हाँ, अगर आपको बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस लेना है अगर लैपटॉप में, तो मैं कहूँगा आप प्लग यूज़ कीजिए, यानी आपका जो एडाप्टर है लैपटॉप का उसके जो है उसी की पावर को जो है ऐड कर लीजिए। बैटरी पावर के जरिए आप खेलेंगे, थोड़ा सा पावर में जो आपको लोएस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो लैपटॉप होते हैं ये पावर सेविंग डिवाइस होते हैं, इनको जो है पावर सेव करके जो है चलना रहता है। इसीलिए इसका यूटिलाइजेशन जो है हार्डवेयर यूटिलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा दिया जाता है, ताकि ये कम से कम पावर लेके जो है काम कर सके। और इसके लिए जो है प्रोसेसर की एक्चुअल पावर में जो है बैटरी जो पे चल रहा होता है थोड़ा सा कम पावर में जो है देता है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो है ज़्यादा रखने का होता है। इसीलिए तो प्लग यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा FPS मिलेगा, परफॉर्मेंस लैग जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने दो चार गेम जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि ये वाला गेम देख रहे हो, इस गेम का नाम है सुपर सुपर पुलिस रेसिंग। आई थिंक सो काफ़ी टाइम हो चुका है इस गेम को मेरे को खेले हुए, हालांकि ये मैंने बाद में रिकॉर्ड किया है। और एक और चीज़, इसके साथ तो जो है मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी गेम कोटूडियो है, तो यहाँ पे गेम खेलने के लिए ही जो है ऑलमोस्ट CPU का फुल पावर जो है चाहिए रहता है। तो इसीलिए इस पे स्क्रीन रिकॉर्ड ना करते हुए मैंने एक्सटर्नल इसको जो है रिकॉर्ड किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप गेम नहीं खेल सकते, गेम खेल सकते हो। यहाँ पे 4 GB RAM का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप रैम सेक्शन के ऊपर अगर फोकस करेंगे या फिर नॉर्मली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो Windows 10 जो है काफ़ी ज़्यादा रैम कंज्यूम कर लेता है। वो लगभग 700-800 जो है यू ही कंज्यूम कर लेता है जब चल रहा था। तो 2 GB RAM हो तो आप Windows 7 इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका लाइट वर्जन एक आता है वो आप इस्तेमाल करेंगे। लाइट वर्जन का नाम शायद एंटरप्राइज रखा गया था, वो इस्तेमाल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 2 GB RAM भी होगा तो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। और ये थर्ड गेमिंग है, ये गेमिंग जो है प्रोजेक्ट IGI है। इसका FPS जो है देखने को तो नहीं मिला, लेकिन गेम जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है। मैंने फाइटिंग सीन जानबूझ के नहीं दिखाया है, काफ़ी
फाइटिंग सीन देखना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है, इसकी भी काफ़ी लेवल्स जो है मैं खेल चुका हूँ बहुत सारे, लगभग 5-6 खेले हुए हैं इसके लेवल्स, तो काफ़ी स्मूथली रन कर जाता है, ज़्यादा दिक्कत जो है बिल्कुल भी नहीं आता। तो गेम ही आप इंजॉय कर सकते हैं, डेस्कटॉप हो तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पे पावर की इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं करता है। डेस्कटॉप पे जो है आपको पता ही है, इनडायरेक्ट मेन लाइन से ही उसको जो है पावर सप्लाई किया जाता है, और आपका पीएसयू अच्छा होना ज़रूरी है। अब डिसेंट रहेगा तो भी चल जाएगा। दो दो चार, हाँ 5 मैंने खेले हुए हैं प्रोजेक्ट आईजीआई, और ये काफ़ी साल लगा है, और लैपटॉप पे खेला हुआ है, तो आपके पास लैपटॉप भी हो कोर टू डियो का तो वहाँ पे भी आप खेल सकते हैं। कोर टू डियो 2.2 GHz पे क्लॉक था या मेरा सीपीयू, तो इससे ज़्यादा अगर आपका क्लॉक है तो और आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस जो है मिल सकता है। अगर आप विंडोज़ 10 चलाना चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 3 GB RAM आपका रखना ही चाहिए, क्योंकि 2 GB RAM जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंज्यूम करेगा, बाकी गेम चलाने के लिए जो है आपको चाहिए होगा रैम, या फिर किसी अन्य सॉफ्टवेयर भी आप चलाते हो तो उसके लिए चाहिए तो चाहिए होगा रैम। मेरे लैपटॉप में 4 GB RAM है यार, यहाँ पे रैम कंज्यूम अगर पिछले जिस पे जो है दिखाया जा रहा था FPS वगैरह, तो उसमें जो है क्लियरली दिख रहा था कि 2 GB 2.1 से लेकर 2.5 के बीच पे जो है मेरा रैम कंज्यूम था गेमिंग के साथ। तो 3 GB हो तो भी आप खेल सकते हो, 2 GB हो तो भी खेल सकते हो, बस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज 7 रखना पड़ेगा। विंडोज 7 भी ऐसा नहीं है कि बुरा है, वो भी काफ़ी अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम है। गेमिंग में देख सकते हो आपको लैग जो है ज़्यादा नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा, अदरवाइज मैंने रोका हो तो वो अलग बात है, इसमें लैग जो है देखने को नहीं मिलता है। और आपके पास अगर ऐसा लग रहा हो कि आपके पास HDD है आप नहीं कह सकते, तो गाइस HDD पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपका HDD अच्छा खासा है, उस पर दो वर्शन रहते हैं, एक रहता है 5400 RPM के साथ, एक रहता है 7200 RPM के साथ, यानी 7200 7200 RPM, तो 7200 RPM वाला